हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। पिछला जो सेशन था उसमें हमने पीएम किसान स्कीम के बारे में पढ़ा था और आज के सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। पीएम किसान स्कीम जब मैं आपको पढ़ाया था, मैंने दिखाया था कि इस साल नाबार्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था पीएम किसान से, पिछले साल आईबीपीएस एएफओ के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था और आज जो स्कीम पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इससे तो क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चंस की हैट्रिक मेंटेन हो गई है। आईबीपीएस एएफओ का जो पेपर होता है 2018 से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, 18, 19, 20, 21 लगातार 4 सालों के अंदर 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस स्कीम से। जैसा कि मैंने आपको बताया था, करंट अफेयर्स की चिंता अगर आपको है ना तो 3-4 चीजें कर लो, सारा करंट अफेयर्स ओवर हो जाएगा। सारी स्कीम्स पढ़ लो जो मेजर है, प्लस करंट रनिंग स्कीम है, उसके साथ साथ एमएसपी को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा को और साथ साथ नाबार्ड नॉर्म्स को अच्छे से पढ़ लो, 80% करंट कवर हो जाएगा। 80% मैं आपका इन वीडियोज के अंदर करवा के जाऊंगा। बस इतना सा ध्यान रखिए, मैं जो वीडियोज के अंदर करवाता हूँ उसके नोट्स में सेम डे टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ और उसकी क्विज अगले दिन 9 बजे रात को, क्योंकि ये वीडियो भी 9 बजे लाइव हो रहा है, आप अगले दिन 9 बजे वहां पे उसी वीडियो का क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो लेक्चर देखिए, फिर नोट्स लीजिए, फिर क्विज को अटेम्प्ट कीजिए और अगले दिन फिर से आ जाइए अगली वीडियो के साथ। फिलहाल कंटिन्यू करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले प्रधानमंत्री, फिर फसल और फिर बीमा और फिर योजना की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप लोग जानते हैं, फसल ऑफ कोर्स क्रॉप सब लोग जानते हैं। योजना की बात करेंगे तो स्कीम हो गया एक, है ना, फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, फार्मर्स के बेनिफिट के लिए स्कीम है। उसके बीच में एक मेन वर्ड लगा हुआ है जिसका नाम क्या है, बीमा। डू यू नो व्हाट इज बीमा? यस ऑफ कोर्स आप लोग जानते हैं। मैं ऐसा मजाक में कहता हूं, मतलब इसे सीरियस मत लेना, ये मजाक में कहता हूं मैं कि बीमा का मतलब होता है अपना सांप किसी और के गले में डालना, क्योंकि सांप अगर आपके गले में होगा तो रिस्क है, लेकिन आपने रिस्क निकाल के किसी और के गले में डाल दिया। बट इतना है कि रिस्क किसी और के गले में डालने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, जिसे इंश्योरेंस की टर्म में हम प्रीमियम बोलेंगे। तो आपको बीमा लेने के लिए, इंश्योरेंस लेने के लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है जिसे प्रीमियम कहा जाता है। कितना होता है उसकी बात करेंगे, लेकिन वो प्रीमियम देके आप क्या करते हैं, अपनी क्रॉप के लिए रिस्क कवरेज ले लेते हैं। कोई नुकसान अगर हुआ तो वो नुकसान मेरा नहीं, फिर वो इंश्योर्ड कंपनी का होगा। प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखेंगे, थोड़ी थोड़ी दिक्कतें क्लेम सेटलमेंट के अंदर आ जाती है। लेकिन फिलहाल स्कीम की बात करते हैं जो खरीफ 2016 से स्टार्ट हुई और क्वेश्चन भी हैट्रिक लगा रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, तो स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये एक फ्लैगशिप स्कीम है। आप फ्लैगशिप का नाम जानते हैं, आप किसी स्कीम के अंदर फ्लैगशिप वर्ड देखेंगे ना तो आप उस स्कीम को ना अच्छे से पढ़ लेना। जैसे आप लोग फोन लेते हैं ना किसी कंपनी का, 10, 15, 20, 30 हजार का फोन, लेकिन अगर 50 हजार से ऊपर जाएंगे ना तो फिर कंपनी कहते हैं कि ये हमारे फ्लैगशिप फोन है, मतलब बड़े बड़े फोन है। तो फ्लैगशिप स्कीम का मतलब बड़ी स्कीम है, मेजर स्कीम है। सो फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस इन इंडिया इन लाइन विद वन नेशन वन स्कीम। आपने देखा होगा वन नेशन वन स्कीम, वन नेशन वन मार्केट, ऐसे ऐसे वन नेशन वन टैक्स जीएसटी गवर्नमेंट लेके आई थी। तो इस तरह से वन नेशन वन स्कीम, तो प्रीवियस रनिंग स्कीम्स को रिप्लेस करके हम एक स्कीम लेके आए जो सब कुछ कवर करती है, सोइंग के लॉसेस भी कवर करती है, हार्वेस्टिंग के लॉसेस भी कवर करती है, इवन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी कवर करती है। थीम को याद कर लीजिएगा, थीम क्या है, वन नेशन वन स्कीम। आगे चलते हैं। दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन खरीफ 2016 एंड इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीएम किसान भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर चला रहा है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी कौन चला रहा है, यस मेरे साथ साथ बोलते जाइए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ही चला रहा है। लेकिन आपने देखा होगा पीएम किसान तो सारे स्टेट में चल रही है, लेकिन पीएम जो आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये सारे स्टेट में नहीं है। कुछ स्टेट मना कर दे रहे हैं, कुछ स्टेट मना करके फिर से हाँ कर दे रहे हैं, ऐसा क्यों चल रहा है यार? स्टेट करना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि इसमें चक्कर है सब्सिडी का। सब्सिडी जो फार्मर्स को दी जाती है उसमें शेयर होता है स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। जैसे मान लो कि मैं एक किसान हूं, मुझे सब्सिडी तो मिल गई, लेकिन वो जो सब्सिडी अमाउंट मुझे मिला ना उसमें पे जो किया है, जो सब्सिडी दिया ना, वो कुछ दिया स्टेट ने, कुछ दिया सेंटर में। स्टेट देना नहीं चाहता तो वो मना कर देता है कि मैं स्कीम इंप्लीमेंट नहीं करूंगा। मैं आगे बताने वाला हूं इसके बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर विल बी अ यूनिफॉर्म प्रीमियम, मतलब अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग नहीं है, सबके लिए यूनिफॉर्म है।
2% to be paid by the farmer for all kharif crops, 1.5% for rabi crops, and agar wo annual crop hai या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप है या कमर्शियल क्रॉप है, सो द प्रीमियम पेड बाय द फार्मर विल बी ओनली 5%। अगर इस प्रीमियम की बात करें जो खरीफ में 2% है, रबी में 1.5 है, और कमर्शियल एनुअल क्रॉप्स के लिए यानी कि जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, शुगर केन हो गया, इनके लिए 5% हो जाएगा। अब अगर इसकी बात करेंगे, नहीं ये प्रीमियम बहुत कम है, मैं नहीं बोल रहा ऐसा, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलती है ये प्रीमियम बहुत कम है, तो अगर एक कंपनी मुझे इंश्योरेंस दे रही है बदले पैसा बहुत कम ले रही है तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा, तो कंपनी पैसा कम नहीं लेती है, कंपनी जितना मुझसे ले रही है बाकी बचा हुआ, मुझसे मतलब किसान से जितना पैसा ले रही है बाकी बचा हुआ पैसा गवर्नमेंट से लेती है, वही तो किसान को सब्सिडी मिल रही है, और उसी के अंदर तो सेंटर और स्टेट का क्या शेयरिंग है, जिसके अंदर रिसेंटली चेंजेस किए गए, जैसे पीएम किसान में ई केवाईसी लाया गया ना, वैसे इसके अंदर भी सब्सिडी के ऊपर मैक्सिमम कैप लगा दिया गया, कितना उसकी बात करते हैं आगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, देयर इज नो अपर लिमिट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडी इवन इफ द बैलेंस प्रीमियम इज 90%, मतलब 90% भी आपका बचा हुआ है ना, तब भी वो सारा का सारा कौन देगा, गवर्नमेंट ही देगी, लेकिन ऐसा नहीं बोला कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वर्ड लिखा गया, गवर्नमेंट देगी, मतलब प्रीमियम जो आप दे रहे हो 1.5 या 2 उसके बाद जितना भी अमाउंट बचा है ना, वो सारा अमाउंट उस इंश्योरेंस कंपनी को देगा, कौन देगा, यस ऑफ कोर्स गवर्नमेंट देगी। नेक्स्ट बोला गया क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, जो ऐप है फैसिलिटेट इजियर रिपोर्टिंग ऑफ क्रॉप लॉस विद इन 72 आवर्स ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। अब ऑनलाइन ऐप आ गई है, ऐप का नाम याद रखिएगा, रिसेंटली लॉन्च हुई थी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है, अगर नुकसान हो जाता है तो फार्मर फोटो वोटो लेके फटाफट से उसके ऊपर 72 आवर्स के अंदर क्या कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है, तो ऑनलाइन होने से काम आसान हो गया, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस टाइम पे ऑनलाइन, तो काम आसान हो गया है। नेक्स्ट बोला गया द स्कीम वाज वंस मैंडेटरी फॉर द लोनी फार्मर्स बट आफ्टर 2020 सेंटर चेंज इट टू मेक इट ऑप्शनल फॉर द ऑल फार्मर्स। पहले क्या था, पहले स्कीम ना वॉलंटरी बेसिस पे थी, जिसने लोन नहीं ले रखा वो लेना चाहे तो ले सकता है, ना लेना चाहे तो ना ले, लेकिन जिसने लोन ले रखा है उसके लिए कंपलसरी थी कि भैया लोन लिया है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा का एक्सेस लेना ही पड़ेगा, लेकिन 2020 के बाद उसे क्या कर दिया गया, ऑप्शनल के लोन ले रखा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं लेना चाहते भैया कोई बात नहीं मत लो, ऐसा 2020 के बाद हो गया। द सेंटर डिसाइडेड इन फेब 2020 टू लिमिट इट प्रीमियम सब्सिडी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये रिसेंटली डिसाइड किया गवर्नमेंट ने, स्टार्ट तो काफी पहले स्कीम कर दी है, to limit its premium subsidy to 30% for unirrigated area and 25% for irrigated area. Previously, central subsidy has no upper limit. भाई साहब पहले कोई लिमिट नहीं थी, 90% भी होगा तो सारा का सारा दिया जाएगा, बट अब सेंटर ने बोल दिया है कि इरिगेटेड एरिया तो 25% ही सब्सिडी देंगे और अगर अनइरिगेटेड 30% ही देंगे, रिमेनिंग अमाउंट में जो आपको पे नहीं करना गवर्नमेंट आपके एंड पे करती है, तो उस पे कैप लगा दिया गया, कैप का मतलब लिमिट सेट कर दी गई, याद रखना लिमिट अनइरिगेटेड के लिए 30% है और इरिगेटेड के लिए कितनी है 25%। आगे चलते हैं, बात करते हैं कवरेज ऑफ रिस्क एंड एक्सक्लूजन, मतलब इसके अंदर कवर क्या क्या होगा, कि मेरा अगर मान लो साइक्लोन से नुकसान हो गया या पेस्ट से नुकसान हो गया, आंधी तूफान आ गया, ओलावृष्टि यानी कि हेल स्टॉर्म हो गया, या फिर किसी और चीज से नुकसान हो गया, जैसे भारत पाकिस्तान में कोई इश्यू और न्यूक्लियर वॉर से नुकसान हो गया, तो कुछ ऐसे रिस्क है जो कवर होंगे और कुछ ऐसे रिस्क है जो कवर नहीं होंगे। यस सा बोलते रहा करो, मजा आएगा पढ़ने के अंदर, समझा के जाएंगे सारा कुछ। अगर आपको लगे पढ़ाने की स्पीड ज्यादा तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं स्लो भी पढ़ा दूंगा, लेकिन फास्ट चल रहा हूं सिर्फ इसीलिए ताकि आपका टाइम बच सके, छोटी सी वीडियो डिलीवर करो और कंटेंट अच्छा खासा देके जाऊं। बोला गया इफ इंश्योर्ड एरिया इज प्रिवेंटेड फ्रॉम सोइंग प्लांटिंग और जर्मिनेशन ड्यू टू डेफिसिट रेनफॉल और एडवर्स सीजनल वेदर कंडीशन, कि भाई मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, कंपनी ने कह दिया कि भाई आप सोइंग मत करना, इस बार काम खराब होने वाला है, नुकसान हो जाएगा, तो यार कंपनी तो मना कर दिया क्योंकि कंपनी तो बच रही है कि नुकसान होगा तो कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, लेकिन मेरा गुजारा कैसे चलेगा अगर आपने प्रिवेंट ही करवा दिया, रोक ही दिया सोइंग को, तो अगर रुकवा दिया तो मतलब मेरा कुछ खर्चा नहीं है, स्टिल क्या होगा 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड विल बी पेड एंड द पॉलिसी विल बी टर्मिनेटेड, 25% आपको दे दिया जाएगा, पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे वो होता है ना, कोई पॉलिसी लेते हो तो बोला 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, 50 लाख का है, 10 लाख का है, तो जितने का आपका इंश्योरेंस था
टोटल मान लो 10 लाख का था, तो 10 लाख का 25% मतलब 2.5 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, जबकि आपने सोइंग भी नहीं करी है, लेकिन रोका कंपनी ने था ना यार, तो गवर्नमेंट या कंपनी प्रिवेंट करती है, तो 25% हमारे सम इंश्योर्ड का कवरेज हमें दिया जाएगा। कितने परसेंट का बोलिए सारे लोग। यस बिल्कुल, कवरेज इज अवेलेबल ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 वीक्स। याद रखिएगा, कवरेज इज अवेलेबल ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 वीक्स फ्रॉम हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब हार्वेस्टिंग के बाद 14 दिन की बात कर रहे हैं ना। तो अगर आपसे पेपर पूछे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितने दिन तक के पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कवर करती है, तो आंसर क्या आएगा? 14 दिन तक के, 2 वीक तक के। सर क्यों करती है? भाई कुछ कुछ फसलें होती है जिनको काटने के बाद ना उनके बंडल बनाने पड़ते हैं, बांधना पड़ता है, रखना पड़ता है, कुछ और करना पड़ता है, तो भाई खेत में रखा जाएगा ना, तो 14 दिन तक आपका नुकसान हो गया तो कवर होगा, 15वें दिन हुआ तो नहीं होगा। आप सोचेंगे सर उनको कैसे पता चलेगा? भाई ऊपर सैटेलाइट है, ये तो इंडिया की पॉलिसी है कि आप जब गूगल मैप पे करते हो ना, ऐसे जूम जूम करके अपना घर देखना चाहते हो, तो इंडिया की पॉलिसी अलाउ नहीं करती है सैटेलाइट्स को, ताकि गूगल हमें घर नहीं दिखाता, वरना गूगल के सैटेलाइट्स में पावर है, वो आपके घर के अंदर दिखा भी सकता है कि आप चाय पी रहे हैं। अच्छा ये थोड़ा ज्यादा हो गया, चाय वाला नहीं दिखाएगा, बट घर से दिखा सकते हैं, लेकिन आप देखते हैं ना, आप जूम करते हैं लास्ट में ब्लर हो जाता है, तो ब्लर होता नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉलिसी सैटेलाइट को ब्लर करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट सैटेलाइट से पता लगा लेगी भाई सही बोल रहा है बंदा कि नहीं बोल रहा। तो 14 डेज तक के हार्वेस्टिंग लॉसेस कवर हो गए फ्रॉम फॉर दोस क्रॉप्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी ड्राइड एंड कट एंड स्प्रेड स्मॉल बंडल्स कंडीशन इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग अगेंस्ट स्पेसिफिक पैरल्स ऑफ हेल स्टॉर्म साइक्लोन साइक्लोनिक रेन्स एंड अनसीजनल रेन। किसी भी कारण से 14 दिन तक नुकसान अगर हो गए तो भाई साहब वो क्या हो जाएंगे? यस कवर किए जाएंगे। उसके बाद द स्टेट में कंसीडर प्रोवाइडिंग एड ऑन कवरेज। एड ऑन कवरेज क्या होता है? जैसे अगर आप पंजाब के अंदर है, मैं पंजाब के अंदर उस टाइम पे है ना, तो पंजाब में फसलों को बंदरों से मोंकी से एलिफेंट से नुकसान नहीं होता, लेकिन यही पंजाब से निकल के हिमाचल में जाऊंगा ना भाई साहब, हिमाचल में हिमाचल में एलिफेंट यानी कि आपके जो हाथी हैं बहुत नुकसान करते हैं, बंदरों को तो क्या ही कहना। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट क्या कर रही है? बंदरों को स्टेरलाइज कर रही है। स्टेरलाइज जानते हो? अच्छा नहीं जानते हो, कैस्ट्रेशन तो जानते होंगे, कैस्ट्रेशन कर रही है, तो बंदरों का मेल और फीमेल दोनों को स्टेरलाइज किया जा रहा है ना, क्योंकि बंदर तो है लेकिन पता चले कि सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो 1:50 हो जाए, SMR पढ़ा है ना आपने, चलो एग्रोनॉमी का टर्म हो गया उधर आ गया, बट हाँ उनकी पॉपुलेशन ना बढ़े इसलिए कंट्रोल किया जा रहा है स्टेरलाइजेशन से, है ना, नए नए तरीके आ रहे हैं। तो अगर स्टेट चाहे तो वाइल्ड एनिमल का जो अटैक है वो भी कवर कर सकता है, लेकिन पॉलिसी नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो कवर नहीं करती है, एड ऑन स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। एड ऑन समझती है ना, जैसे आप गए वहां पे, आपने बोला बर्गर दे दो, है ना, बर्गर के साथ में बोला कि मुझे एक्स्ट्रा सॉस चाहिए, बोला इसके साथ तो इंक्लूड नहीं है, आपने बोला कोल्ड ड्रिंक चाहिए, बोला एक्स्ट्रा तो नहीं, इसके साथ तो नहीं है, तो आप बोलते कोई ना दे दे एक्स्ट्रा यार, तो वो एड ऑन हो जाता है कि बर्गर तो लिया था लेकिन कोल्ड ड्रिंक साथ में एड ऑन हो गया। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाइल्ड एनिमल से अटैक कवर नहीं करेगी, लेकिन स्टेट कंसीडर कर सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग एड ऑन कवरेज फॉर क्रॉप लॉसेस ड्यू टू अटैक बाय वाइल्ड एनिमल वेयर एवर द रिस्क इज perceived to be substantial and identifiable। पता चल जाए और गवर्नमेंट ने बोला हुआ तो नुकसान का कवरेज मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट एड ऑन का ऑप्शन आपको दे नहीं रही है वाइल्ड एनिमल से, बिकॉज जहां पे जंगली जानवरों से नुकसान होता है ना वहां बहुत ज्यादा नुकसान होता है। एंड कौन से रिस्क कवर नहीं किए जाएंगे? जनरल एक्सक्लूजन के अंदर लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ वॉर एंड न्यूक्लियर रिस्क मैलिशियस डैमेज एंड अदर प्रिवेंटेबल रिस्क शैल बी एक्सक्लूडेड। तो मेनली युद्ध ही है यार, वॉर हो गया, न्यूक्लियर रिस्क हो गया या फिर इंटेंशनल डैमेज है, उस केस में कवर नहीं होगा, वरना जितनी भी नेचुरल कैलेमिटी है सब कवर हो जाएगी। ये थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आगे 5 क्वेश्चन पूछने वाला हूं, 5 के 5 एग्जाम में आया, जबकि 7 क्वेश्चन आया 4 सालों में, बट मैं क्विज के लेक्चर के अंदर 5 क्वेश्चन डालता हूं, तो 5 आपसे पूछने वाला हूं, फटाफट से आंसर कीजिए। व्हाट इज द प्रीमियम रेट इन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर रबी क्रॉप्स एंड ऑयल सीड? रबी वर्ड साथ में लगा हुआ है, तो रबी अगर बोलूंगा 2% तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? 2% ऑफ सम इंश्योर्ड और एक्चुअल रेट विच एवर इज लेस। तो खरीफ में 2% लगता है ना, 1.5 सही हो सकता है, बट आगे पढ़ते हैं 5% हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता, तो ऑफ कोर्स राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 1.5% ऑफ सम इंश्योर्ड, मतलब जितना आपको कवरेज मिलना है उसका 1.5% आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, 2019 के अंदर आया PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो स्टार्टेड इन विच ईयर? मुझे पता है इसमें कोई डाउट नहीं है, परफेक्ट लोग हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, राइट आंसर
आंसर आपको पता ही है, खरीफ 2016 के अंदर स्कीम स्टार्ट हुई थी। व्हाट इज अ प्रीमियम रेट फॉर कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखिए किस तरह से क्वेश्चन हर साल आता ही जा रहा है। कमर्शियल हॉर्टिकल्चर वर्ड बोला तो किसके साथ जाना पड़ेगा आपको, 5% के साथ जाना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही उत्तर दे रहे हैं। अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द प्रीमियम परसेंटेज टू बी पेड बाय द फार्मर ऑफ द टोटल कॉस्ट फॉर खरीफ सीजन क्रॉप। सब जानते हैं कि ये है कमर्शियल के लिए, ये है रबी के लिए, और ये वाला जो है ये किसके लिए है, ये है खरीफ के लिए। लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे, अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द प्रीमियम परसेंटेज टू बी पेड बाय द फार्मर ऑफ द टोटल कॉस्ट फॉर कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। रिपीट हो गया क्वेश्चन, आंसर तो आप बता ही रहे हैं मुझे, आंसर विल बी 5%। ओके, सो ये था हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल एग्री कोचिंग चंडीगढ़ सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए। हम उसके अंदर ना हर एग्जाम के लिए क्विज डालते हैं, एडीओ एग्जाम है, एएफओ एग्जाम आपका, उसके अलावा एमएससी एंट्रेंस है आपका, आरआरबीएसएन, हर एग्जाम जब जब आता है हम उसके लिए क्विजेस डालते हैं। इस टाइम पे हम लोग पंजाब एडीओ के लिए डाल रहे हैं, इससे पहले हरियाणा एडीओ के लिए डाल रहे थे, और साथ हम आईपीएस एएफओ के लिए डाल रहे हैं बिकॉज एग्जाम आने वाले हैं। उसके साथ साथ पिछली स्कीम अगर पीएम किसान के नोट्स आपको चाहिए होंगे तो टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कीजिएगा। कल के दिन में बीता हुआ जो कल था यस्टरडे में 9 बजे वो शेयर किए गए थे। और अगर आपको नोट्स चाहिए, किसके आपको नोट्स चाहिए होंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, तो आज के दिन में अभी आप वीडियो देख रहे हैं और सेम वीडियो वाले डे में 9:10 पे जाके देखिएगा, टेलीग्राम पे नोट शेयर किए गए हैं। और अगर आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है तो कल इस टाइम पे यानी कि 9 बजे आ जाइएगा, क्विज स्टार्ट होगी किसकी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। और मैं परसों फिर से आपको मिलूंगा नई स्कीम के साथ। कोई आपके पास सजेशन हो इंप्लीमेंट करने के लिए, कोई इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।